बाड़मेर जिले भर में अनलॉक पार्ट वन में कोरोना अब धीरे धीरे अपने पांव पसार रहा है। बुधवार को बाड़मेर शहर में एक महिला की कोरोना से मौत हो गई। मौत के बाद महिला के शव का बिना उनके परिजनों की मौजूदगी में मेडिकल एडवाइजरी के साथ गुरुवार को सार्वजनिक शमशान घाट में अंतिम संस्कार किया गया। मेडिकल टीम ने पीपीई किट पहनकर मृतका का अंतिम संस्कार किया। वहीं अस्पताल परिसर, मोर्चरी, एम्बुलेंस और शमशान घाट पर सैनिटाइजर स्प्रे कर संक्रमण से मुक्त किया गया। बाड़मेर शहर के शिवनगर निवासी महिला की कोरोना संक्रमण से बुधवार को मौत हो गई, जिसके बाद अस्पताल प्रबंधन ने मेडिकल एडवाइजरी का पालन करते हुए मृतका के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया था। गुरुवार को परिजनों की गैर मौजूदगी में नगर परिषद के कार्मिकों द्वारा एम्बुलेंस से मृतका के शव को सार्वजनिक शमशान घाट ले जाया गया, जहाँ शमशान घाट के दोनों मुख्य द्वार बंद करने के बाद मृतका के शव का विधिवत अंतिम संस्कार हुआ। शव को शमशान घाट ले जाने और दाह संस्कार करने के दौरान कार्मिक पीपीई किट पहने रखने के साथ सावधानियां बरतते नजर आए। वहीं अस्पताल प्रबंधन द्वारा आईसीयू वार्ड के साथ विभिन्न वार्ड, अस्पताल परिसर समेत मोर्चरी परिसर में सैनिटाइजर का छिड़काव कर संक्रमण मुक्त किया गया। गौरतलब है कि शिवनगर निवासी 54 वर्षीय ये महिला अस्थमा से ग्रसित थी और गंभीर हालत के चलते 26 मई को जिला अस्पताल द्वारा उसे जोधपुर रेफर किया गया था, जहां कोरोना नमूने के बाद महिला नेगेटिव पाई गई थी। 30 मई को महिला स्वस्थ होकर अपने घर भी लौटी। मंगलवार रात को अचानक श्वास में तकलीफ होने पर महिला को जिला अस्पताल लाया गया और आईसीयू वार्ड में भर्ती कर उसका उपचार शुरू किया गया था। बुधवार सुबह महिला का कोरोना नमूना लेकर जांच के लिए भेजा गया था। जांच रिपोर्ट आने से पहले ही महिला ने बुधवार दोपहर दम तोड़ दिया, जिसके बाद बुधवार शाम को आई जांच रिपोर्ट में ये महिला कोरोना संक्रमित पाई गई थी।